नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ सीरीज में पार्ट नंबर 15 करेंगे। इससे पहले हम 14 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर ही दो वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन दिया हुआ है 496 प्लस 54 का होल स्क्वायर माइनस 496 माइनस 54 का होल स्क्वायर बटे इतना दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है? 496 प्लस 54 का होल स्क्वायर माइनस 496 माइनस 54 का होल स्क्वायर अपॉन 2 496 into 54। इसको सॉल्व करना है। ऐसा सवाल आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप मेरा क्लास देखे होंगे तो। क्या ए वाला आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे फार्मूला पे है कि नहीं है? ए आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पे है कि नहीं है? ए आपका 54 है, 59 नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम कुछ इस तरह से लिखें, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है। और नीचे में क्या है? 2 है, 496 को ए लिखे थे, 54 को बी लिखे थे, यही तो है। इसको हम डायरेक्ट आपको लिखना क्या बताया थे, 4ab, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका आंसर 2 आ जाएगा। कैसे? अगर इसको तोड़िएगा तो ऊपर वाला टर्म आपको 4ab दे के जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा अगर इसको तोड़िएगा तो, माइनस उसके बाद ए वाला तोड़ने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देता। तो स्टार्टिंग में माइनस का साइन है, इसीलिए माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस आता उसमें प्लस हो जाएगा बस। ठीक है, और नीचे में 2ab हो जाएगा। ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा है? 2ab 2ab, यानी ऊपर में 4ab बचा है और नीचे में 2ab 4ab 2ab कट जाएगा, यानी टोटल मिला के 2 यहाँ से आंसर मिलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी देना तो आपको इस फॉर्म में लाना है। सबसे पहले यहाँ प्लस भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जब यहाँ प्लस होता तो ए आपका ऊपर में 4ab नहीं आता, कुछ और आता। इसको तोड़ के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको 2a² प्लस बी स्क्वायर मिलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट क्या है? एक त्रिभुज का भुजा क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर और 20 मीटर है, तो इसके सबसे लंबे भुजा पर डाला गया लंब का लंबाई ज्ञात करना है। सबसे लंबा भुजा पर सबसे पहले बताइए 16, 12 और 20, ये आपको ट्रिपलेट दिख रहे हैं क्या? क्या ट्रिपलेट है? आप बोल सकते हैं ट्रिपलेट है। कैसे? 3, 4, 5, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है कि नहीं है? अगर इसमें हम 4 से गुना कर दें सभी में, तो ये आपका 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। तो क्या आपका 16, 12 और 20 का ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं? इसका मतलब कह सकते हैं कि जो आपका भुजा दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है त्रिभुज का, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी आपका एक समकोण त्रिभुज है, समझे? जिसका अगर ये 12 होगा तो ये 16 हो जाएगा, ये तो ये 20 हो जाएगा। इसका हम कहने का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय से 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर दोनों को जोड़ने के बाद ये आपका 20 का स्क्वायर के बराबर आ जाता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है, किसमें? समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे हम एक एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी आपका एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अगर ए वाला लेंथ को हम कितना मान लें? 12, तो ए 16 हो जाएगा, तो अपने आप ये 20 हो जाएगा।
ठीक है। अगर इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम सी मान लें, तो दिया हुआ है कि इसकी सबसे लंबे भुजा पर डाला गया लंब है, तीनों में से सबसे लंबा कौन है, बी से है, इस पर एक लंब डाल दीजिए, यहाँ से ऐसे करके एक लंब डाल दीजिए, और यही लंब, यही परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, इसी का लंबाई निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ए वाला जो पॉइंट है, ए आपका डी पॉइंट है, तो इसका लंबाई निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा, ए बी गुना बी सी, क्या बोला मैंने, ए बी गुना बी सी बराबर ए सी, जो खड़ा वाला लाइन है, ए सी गुना ए वाला बी डी, समझे, फिर से देख लीजिए, ए बी गुना बी सी बराबर ए सी गुना बी डी, यही फॉर्मूला है। ए बी का वैल्यू क्या है 12, बी सी क्या है 16, ए सी क्या है 20, और आपको बी डी तो निकालना ही है, बी डी यहाँ से वैल्यू काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 से 3 बार में कटेगा, 4 से 5 बार में कटेगा, ये कितना आएगा 48 आएगा, 48/5 बराबर बी डी। इसको काटने के लिए आप क्या कीजिए, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो 96/10 होगा, 96/10 यानी 9.6 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो आपको इतना का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, क्वेश्चन समझे, अगर साइन थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू इतना है तो इतना का वैल्यू निकालना है। आप साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरा के जस्ट अपोजिट होते हैं, ये पता है कि नहीं पता है। अगर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी 2 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरा का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर साइन थीटा को हम एक्स मान लें तो कोसेक थीटा को 1/x हो जाएगा, x नीचे 1 ऊपर। ठीक है, यानी x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। अब इसमें हम x का वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दें कि दोनों को जोड़ने के बाद हमको 2 मिल जाए, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे x का वैल्यू को 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1 रख दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद 2 मिल जाएगा। तो आपको निकालना क्या था, इतना का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे हम साइन को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, यानी एक्स के पावर 2018 प्लस 1/ कोसेक थीटा का वैल्यू, यही ना माने हैं 1/x, 1/x के पावर 2018, इसी के वैल्यू तो निकालना था। अब एक्स का वैल्यू 1 लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 1 कीजिएगा तो 1 के पावर 2018 क्या होगा, 1 के पावर कुछ भी कर दीजिए आपको 1 ही मिलेगा, और यहाँ पर भी सेम आएगा, यानी प्लस 1/1/1 आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा फिर से आपको 2 मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। ऐसा क्वेश्चन जब भी देना कॉम्प्लीमेंट्री वाला, जैसे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर यहाँ 2 दे दिया इधर कुछ भी पूछ ले, कुछ भी इधर पूछ ले, आपको 2 आंसर ही देना है। सेम कैसे, सेम सवाल आप कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा में कर सकते हैं, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर अगर 2 दे देना तो इधर कुछ भी वैल्यू पूछ ले, आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 मार के आइएगा। सेम सवाल आप टेन थीटा
कोट थीटा बराबर दो दे दे, इधर कुछ भी पूछ ले आप डायरेक्ट इसका आंसर दो मार के आइएगा। कहने का मतलब है टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है, सेम उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। दो स्टेशन के बीच का दूरी 340 किलोमीटर है, दो स्टेशन हम ले लेते हैं, एक स्टेशन ए है, ए स्टेशन बी है, दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 340 किलोमीटर दिया हुआ है। एक दूसरे को पार करने के लिए समानांतर पटरियों पर यानी पैरेलल पटरी है, इन स्टेशनों से दोनों ट्रेनें एक साथ शुरू होती हैं, ठीक है, उनमें से एक का गति दूसरे से 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है। अगर इसका स्पीड जो यहाँ से खुल रहा है उसका स्पीड हम एक्स मान लें तो जो यहाँ से खुलेगा उसका कितना हो जाएगा, उसका एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अगर ए ट्रेन इधर जा रही है बी की ओर तो ए ट्रेन इधर आएगी, ठीक है। अब आगे जाइए, यदि उनके शुरुआत के 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन का चाल निकालना है। अगर आपसे यहाँ पूछे कि जो ट्रेन यहाँ से निकल रही है ए से एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से निकल रही है और ए वाला ट्रेन बी से एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से निकल रही है, अगर आपसे यहाँ पूछे कि 2 घंटे बाद, ये तो पूछा है कि शुरुआत के 2 घंटे के बाद, अगर 2 घंटे के बाद निकाले इसका कितना डिस्टेंस चला होगा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटे में टोटल 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी यहाँ से टोटल यहाँ तक आ गया होगा हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बताइए बी वाला x प्लस 5 के स्पीड से 2 घंटे में कितना ट्रेवल किया होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे आया होगा इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस, तो 2x प्लस 5 डिस्टेंस इतना स्पीड गुना टाइम 2 घंटे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच जाता है, दोनों का डिस्टेंस 30 किलोमीटर का बच जाता है, यानी ए वाला यहाँ तक आ चुका है, ए वाला यहाँ तक आ चुका है, इस दोनों का बीच का डिस्टेंस 30 दिया हुआ है, तो आप इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस जो कि 30 है इसको आप तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ने के बाद 340 तो इसका टोटल है, इसके बराबर कर दीजिए, यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, समझ गए, बस यही करना है। 2x यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक 30 प्लस यहाँ से यहाँ तक ए वाला 2 × x + 5 बराबर 340, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगा, ए आपका हो जाएगा 2x + 10 यानी 4x हो जाएगा, ये दोनों मिला के 4x प्लस ये 10 आएगा, ये 30 है यानी टोटल 40 आएगा बराबर 340, ये 40 जाकर इधर माइनस हो जाएगा तो 300 बचेगा, यानी 4x बराबर 300 मिला, तो यहाँ से x बराबर क्या 75 kmph यहाँ से वैल्यू मिला कि नहीं, पहला मिला, यानी जो यहाँ से ट्रेन खुल रही है उसका 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो ट्रेन यहाँ से खुलेगी 5 इसमें और जोड़ दीजिए यानी 80 kmph हो जाएगा, तो आपका दो आंसर 75 और 80 वाला हो जाएगा, 75 80 वाला ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए, इसमें आपको मोड बताना है यानी बहुलक बताना है, और बहुलक पता होना क्या क्या होता है, अगर कोई भी हमारे टर्म दिया हुआ है इतना टर्म दिया हुआ है तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा ना, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा ना वही आपका आंसर होगा, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से देख लीजिए 25 देख लीजिए कितने बार आ रहा है क्वेश्चन में, एक बार आ रहा है 25 और दो बार आ रहा है, 25 आपका दो बार आ रहा है, 45 कितने बार आ रहा है, एक दो दो बार आ रहा है 45, 54 कितने बार आ रहा है, एक दो तीन बार आ रहा है 54, 65 कितने बार आ रहा है,
एक बार ही केवल आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका बहुलक क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो आपका 54 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। बहुलक निकालने खातिर जितने भी डाटा दिया रहेगा सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा ना वही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर यहीं पे आपको इसका माध्य निकालने के लिए बोल देता तो क्या करते, अगर माध्य निकालने के लिए इसका बोल देता ना तो आप सभी टर्म को जोड़ते, उसके बाद जितना टर्म है उससे भाग कर देते, आपको माध्य मिल जाता। अगर यहीं पे आपको माध्यिका निकालने के लिए बोल देता यानी मेडियन निकालने के लिए बोल देता तो तब क्या करते, मेडियन निकालने खातिर सबसे पहले जितने भी टर्म दिए हैं ना तो इसको आरोही क्रम में यानी एसेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में आपको पहले सजाना पड़ता, सबसे छोटा उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता जाता, कुछ इस तरह से आपको सजाना पड़ता पहले, उसके बाद टोटल टर्म जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आपका जो टर्म 6 इधर और 6 इधर दोनों के बीच में जो टर्म आएगा आपको निकालना पड़ेगा 12वें टर्म के लिए, तो यहाँ वाला टर्म और यहाँ वाला टर्म दोनों को जोड़ देते, उसको 2 से भाग कर देते, वही आपका आंसर आ जाता, ठीक है। माध्यिका में निकालने में, मीडियन निकालने में, ऐसे क्वेश्चन और आपको हम करा देंगे माध्य और माध्यिका निकालने वाला, अभी के लिए आप बहुलक यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।